पानी की डकैती किसी सूरत नहीं होने देंगे, पानी सोने से भी महंगा। लोगों को मिनरल वाटर की आदत डालकर नोटों कमाए जा रहे हैं। गरीब आदमी आज भी छप्पड़ का पानी पीता है। चीफ जस्टिस के मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। मिनरल वाटर बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ कल 11 बजे तलब। डैम रोकने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा ऑफर करके शर्मिंदा ना हो, ये मुल्क ना होता तो शायद एतजाज अहसन का मुंशी होता। चीफ जस्टिस का एतजाज अहसन से मुकालमा। कंपनियां हुकूमत को 25 पैसे फी लीटर कीमत देकर 50 रुपए फी लीटर कमा रही हैं। वकील वफाकी हुकूमत का अदालत में बयान। पानी के बचाव से मुतालिक दुनिया मीडिया ग्रुप की काविशों की तारीफ। डॉक्यूमेंट्री देखी तो हैरान रह गया। पानी की किल्लत मुस्तकबिल में बढ़ जाएगी। दुनिया न्यूज ने हकायक से पर्दा उठाया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रेलवे में खसारा, नैब का केस बनता है। चीफ जस्टिस ने रेलवे में खसारे से मुतालिक ख्वाजा साद रफीक को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज का आज खुद नोटिस ले लिया। प्राइवेट अस्पताल एक दिन के इलाज पर लाखों रुपए बटोर लेते हैं। चीफ जस्टिस हमीद लतीफ अस्पताल समेत 12 अस्पतालों के मालिकान को नोटिस कल तलब कर लिया। सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ केयर कमीशन को भी नोटिस। ज़िमनी इलेक्शन, 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजद के मंजूर। पीटीआई के एजाज चौधरी, जहीर अब्बास खोखर, उमर सरफराज चीमा के कागजात नामजद के मंजूर। लीगी रहनुमाओं ख्वाजा हसन, हाफिज नुमान और महर इश्तियाक के कागजात नामजद की भी मंजूर। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन, 4 हलकों के उम्मीदवार आज अपनी सियासी जमातों के पार्टी टिकट जमा करवाएंगे। N124 से पीटीआई के मोहियुद्दीन दीवान ने टिकट जमा करवा दिया। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी 403 अरब रुपए की सरकारी जमीन पर विराजमान। 8975 केनाल जमीनों पर आलीशान सरकारी बंगले। सरकारी रिहायश गाहों की देखभाल पर सालाना 10 अरब 41 करोड़ रुपए खर्च। एक अफसर माहाना 10 लाख से 55 लाख में पड़ता है। बाऊजी की कुलसुम मनो मिट्टी तले जासोई। बेगम कुलसुम नवाज आहू और सिस्कियों में आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। तदफीन के मौके पर सिर्फ शरीफ फैमिली के अफराद मौजूद। मरहूमा को मियां शरीफ की कब्र के करीब दफन किया गया। लहद में उतारने के बाद दुआए मगफिरत। जाति उम्रा में फजा सोगवार, ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। बेगम कुलसुम नवाज की रस्म कुल कल अदा की जाएगी। कुलखानी नमाज असर से मगरिब के दरमियान होगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कौमी वुमेन क्रिकेट टीम का हाई परफॉर्मेंस कैंप जारी। खवातीन क्रिकेटर्स की भरपूर बॉलिंग प्रैक्टिस।